अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम FEC फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी सवाल है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, कि आप सवाल की बार बार प्रैक्टिस क्या करें। जो लड़के जितना मैथमेटिक्स में ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो इतना ही ज़्यादा सीखता है। और अगर किसी जगह पर आपको कोई मसला हो तो आप जो है ना कमेंट्स में आकर अपना क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, एक्सरसाइज नंबर लिख सकते हैं। ऐसा मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को हल करके दूंगा। इससे पहले सवाल हल करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नए आने वाले वीडियो। तो यहाँ फिर देखिए, जैसे पहले जो था उसमें भी हमने बार लगाया था, इसमें भी देखो बार लगे हुए। तो आपने क्या करना है, पहले हमें ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। लेकिन इससे पहले हमने देखिए आपके लिए आसान करना है कि जेड बार बार आपके पास 2 × 3 आई हो जाएगा, और जेड 2 बार आपके पास 2+। छोटी याद रखिए कि जब भी आप बार लगाते हैं या बार ख़त्म करते हैं तो आपने दोनों से कभी जो सह जाएगा वो आपने हमेशा चेंज करना है, ये आपने कभी नहीं भूलना। अभी हम लिखते हैं टेकिएगा लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 और Z2। ये दोनों देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके बीच में 20+1 के लिए मल्टीप्लाई होता है। सुनते हैं हम बार में यहाँ पे छोड़ के पहले हम Z1 और Z2 के करके मल्टीप्लाई करते हैं। आपके पास आएगा Z1 डॉट Z2। Z1 की कीमत हमारे पास क्या है, 2+3 का यूटन, और Z2 की कीमत है 2-3 का यूटन। तो अभी आपको क्या करना है, Z1 Z2 की बोल। अब देखिए छोटी ये 2 आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 × 4 हो गया। अब ये 2 आपने इनके साथ ही मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6 आई होगा। ये हो गया 2। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये 3 आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो +6 आई हो जाएगा। और ये 3 आपने इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे 9 आई होगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपके पास हो जाएगा Z1 डॉट Z2, ये आपके पास आ जाएगा 4। ये -6 है और +6 आई का ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 6 है कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -9 और आई का स्क्वायर -1 के बराबर है। तो हम लिखेंगे Z1 Z2 = ये 4+9 बराबर Z1 Z2 = 13। अभी अगर आप इसको क्या लगाते हैं, इसका बार लेते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे taking up और conjugate, ये आपके पास आ जाएगा Z1 और Z2 का conjugate हो जाएगा 13। ये अब यह लेंगे Z1 Z2। अगर कंस्टेंट हो और फिर आप बार खत्म करते हो तो आप उसका सेम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। ये आपके पास दिया गया। उसके बाद आपने क्या करना है, टेकिंग राइट हैंड साइड लेना है, टेकिंग राइट हैंड साइड लेने के साथ हमारे पास Z1 और Z2 बार है। अभी Z1 और Z2 की वीडियो हमने पहले आपने नहीं बनाया है, ये भी Z1 की है और ये हमारे पास Z2 की है, तो ये मुझे पुट करना है। तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा Z1 और Z2, तो Z1 की वैल्यू 2 − 3 आई होगा, और इसलिए Z2 की वैल्यू 2 + 3 आई होगा। तो अगर आपने मैथमेटिक्स में आपने एक फार्मूला देखा हो, हमारे पास एक फार्मूला है, यहाँ पे मैं आपको फार्मूला लिख के देता हूँ। हमारे पास एक फार्मूला है मैथमेटिक्स में, a² + b² जो मैथमेटिक्स में फार्मूला नंबर 3 से मशहूर है, ये मैथ का तीसरा फार्मूला है। ये आपके पास आ जाएगा a - b और यह आ जाएगा a + b। इसको हम इस तरीके से ओपन करते हैं।
प्रकृति के डेली सेम उसी तरह है। टू मल्टी थ्री आयोटा, यानी अगर यहाँ पे मेरे को टू मल्टी थ्री आयोटा और यहाँ पे मेरा जाएगा टू प्लस थ्री आयोटा। देखिए इसका ए ए, इसका टू और टू, ये बी और बी, ये थ्री आयोटा थ्री आयोटा। तो हम इससे डायरेक्ट ये फार्मूला बना सकते हैं, किस तरह से जेड बार जेड टू बार, ये आपके पास टू पावर टू का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके पास वन थ्री थ्री आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए इस तरह हमारे पास आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास है जेड वन और देखिए जेड टू इक्वल टू टू जेड फोर हो जाएगा, और ये टू थ्री के भी आयोटा के भी है, तो ये नाइन आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पुट आयोटा स्क्वायर इक्वल वन फी वन करना है। तो जेड वन जेड टू इक्वल फोर वन फी नाइन और ये वन फी वन आ जाएगा। तो जेड वन छोटी छोटी बार आपने लिखना है, अगर मैं कुल भी जो आपको बार जरूर लिखा फोर ए प्लस क्या हो जाएगा नाइन हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके पास थर्टीन है, कितना आता है अगर इसी तरह से बंद करो जेड वन और जेड टू, ये कितना थर्टीन हो जाएगा। तो अभी देखिए आपके पास जेड वन और जेड टू का जो अलग अलग हमने बार लिया है और जो इकट्ठा होल लिया है दोनों पास हमारे पास थर्टीन है। तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड